उत्तर प्रदेश के हाइफन केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा टीकमगढ़ जिला मुख्यालय पर सर्किट हाउस में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें हाइफन ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर रणधीर सिंह राठौड़ ने मीडिया को बताया कि टीकमगढ़ जिले में हाइफन ग्रुप की एक टीम कार्य कर रही है, जो खेती को लाभ का धंधा बनाते हुए किसानों को फायदा पहुंचाने में सहयोग करेगी। साथ ही गोपालन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से किसानों से गो उत्पादों को भी खरीदेगी। हाइफन ग्रुप की शुरुआत उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर से वर्ष 2020 में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर लखनऊ के अलावा नोएडा में भी बनाया गया है। हाइफन ग्रुप के MD राठौड़ ने कहा कि गो सेवा का एकमात्र विकल्प हाइफन ग्रुप है, साथ ही ज्यादा उपज के साथ समृद्ध किसान बनाना ही हाइफन की पहचान है। टीकमगढ़ से सुबोध पाठक की रिपोर्ट। मैं किसानों के लिए जैविक खाद्यान्न उपलब्ध कराना चाहता हूं और गायों की सुरक्षा के लिए जो गायों का जो गोबर है, जो गोमूत्र है, उसकी क्या उपयोगिता है, ये किसानों को बताना चाहता हूँ। हमारी कंपनी गाय का गोबर 5 रुपये किलो और गोमूत्र 10 रुपये किलो खरीदेगी और जो भी किसान हमारा जैविक उत्पादन करेगा उसका 3,000 रुपये क्विंटल में वापसी में रिटर्न खरीद सकता है। आपकी कंपनी का नाम? हाइफन केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स OPC प्राइवेट लिमिटेड। कहाँ की? ये उत्तर प्रदेश लखनऊ से बिलोंग करती है। टीकमगढ़ में काफ़ी दिनों से आना जाने लगा रहता था, गेहूँ वगैरह खरीदना बेचना और सारी फसलें भी उनका खरीदना लगा रहता था, बट यहाँ गाय की समस्या मैंने देखी तो मैंने कहा चलो यहीं से क्यों ना क्यों गेहूँ को पैदा किया जाए या उत्पादन कराया जाए। इधर जगह कौन सी चुनी है? मैंने राय वेयर हाउस किराए पर लिया है और अमन शुक्ला का एक वेयर हाउस झांसी रोड पर किराए पर लिया है। जी हाँ। टीकमगढ़ के अलावा और कहाँ सर्वे किया आपने? नहीं, अभी टीकमगढ़ से ही शुरुआत करें और टीकमगढ़ में ही सर्वे किया है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।